नमस्कार साथियों, कैसे हैं सब लोग? मुझे मालूम है आईपीएल का मैच चल रहा है, तो आप लोग थोड़े बिजी होंगे। कोई बात नहीं, थोड़ा पर हम भी बातचीत कर लेते हैं। मैच तो चलता रहेगा, मेरे सेशन के बाद भी मैच चलेगा, तब जाके देख लेना आप लोग सब। आपने कहा था कि यूपीएससी का सेशन भी सर एक लेके आइए, जियो केमिस्ट और मेंस दोनों को है, तो उसका सेशन लेके मैं आ गया हूँ। यूपीएससी जियो केमिस्ट सर्विसेज बहुत बढ़िया सर्विसेज होती है, क्लास वन सर्विसेज हैं, प्रेस्टिजियस जॉब है आपकी। यूपीएससी का तो नाम ही काफ़ी है। दूसरा यूपीएससी सिविल सर्विसेज मेंस में पेपर, तो मेंस सिविल सर्विसेज से तो खैर बड़ा कुछ है नहीं। मेरे भी एक ज़माने वही हॉबी हॉबी थी कि यूपीएससी सिविल सर्विसेज करूँ, सबकी होती है, नेशनल हॉबी है एक तरह से। दोनों ही पेपर के बारे में आज चर्चा करेंगे कि केमिस्ट्री से यूपीएससी में क्या भविष्य है। आज की चर्चा का विषय यही है। अगर आप केमिस्ट्री के स्टूडेंट हैं, आपने एमएससी की है, बीएससी की है, तो केमिस्ट्री से यूपीएससी का क्या भविष्य है? एक दूसरा, केमिस्ट्री यूपीएससी सिविल सर्विसेज के लिए ऑप्शनल कैसा है, इस पर भी चर्चा होंगी। आज दोनों पे ही चर्चा होगी, जियो केमिस्ट्री भी और सिविल सर्विसेज मेंस में केमिस्ट्री एज ए ऑप्शनल सब्जेक्ट कैसा है, उस पर भी चर्चाएं होंगी। दोनों के पेपर्स के एनालिसिस के बारे में चर्चा करेंगे, चर्चा करेंगे दोनों के पैटर्न के बारे में, चर्चा करेंगे केमिस्ट्री एज ए मेन सब्जेक्ट का फ्यूचर क्या है, कैसा है, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। जियो केमिस्ट से रिलेटेड सारे सवालों के बारे में, पिछले दिनों ये बहुत फेमस सर्विसेज हुई हैं और आप केम अकेडमी ने टॉपर्स भी बहुत प्रोड्यूस किए हैं, बहुत सारे जियो केमिस्ट में हमारे सिलेक्शंस भी हैं, आप लोग रिजल्ट देखते रहते हैं बार बार, तो बहुत सारे बच्चों को आजकल बहुत मतलब इंटरेस्ट बढ़ रहा है जियो केमिस्ट में। उस जियो केमिस्ट के बारे में आप बहुत सारे सवाल मुझसे पूछते भी रहते हैं। आज जितना आपकी मर्जी है, जो डाउट आपके मन में, कैसे बने, क्या बने, एलिजिबल है कि नहीं है, जितने आप प्रिपरेशन कैसे करें, स्क्रिप्ट कैसा होता है पेपर, सारे सवालों के जवाब देने के लिए मैं हाजिर हूँ आपके सामने। लेकिन शर्त वही है, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए प्लीज। सब लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, पहले तो सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, सो दैट की लाइक कीजिए। कम से कम तुम लोग लाइव बैठे हो, लाइक ही नहीं कर रहे हो, लाइव बैठ के लाइक तो कीजिए कम से कम सेशन को। एटलीस्ट सेशन लाइक तो करना बनता है, इतना सा वो बटन दबाने में क्या जा रहा है आपका, पहले लाइक कीजिए। विकास साहू, मेंस में डर बिल्कुल नहीं लगेगा, एकदम हम उसकी चर्चा करेंगे, एकदम मेंस में डर नहीं लगेगा, एक बिल्कुल भी मेंस में किसी भी तरह का डर नहीं लगेगा। हाँ, अब कुछ बात हुई ना, लाइक का लाइक करिए, बटन दबाइए लाइक वाला, जितने लोग लाइव बैठे हैं वो लाइक वाला बटन दबाइए। बहुत इंतजार किए हैं सेशन का, सन्नी आ गया हूं, देखो इंतजार का फल बहुत मीठा होता है। सन्नी आईएफएस के बारे में अलग किसी दिन बता देंगे, सन्नी उसके बारे में चर्चा, उसकी चर्चा अलग से कर लेंगे हम लोग। जियो केमिस्ट वर्सेज सीएसआईआर नॉट का कंपैरिजन तो कुछ है ही नहीं, ऐसा कुछ जडेजा कोई कंपैरिजन होता ही नहीं। दो बहुत डिफरेंट टाइप के एग्जाम है, दो बहुत डिफरेंट टाइप के पैटर्न है, दो बहुत डिफरेंट टाइप के सिलेबस भी हैं, दो बहुत डिफरेंट टाइप के पेपर का बेसिकली मेथड एग्जामिनेशन का, तो कैसे उसमें तो कोई कंपैरिजन ही नहीं। ये तो नॉन कंपेरेबल टाइप की चीजें हैं, ये तो नॉन कंपेरेबल टाइप की चीजें, उसमें क्या कंपेरिजन आपका होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब बने रहें, सब लोग अपने सब दोस्तों को शेयर कर दीजिए कि अगर यूपीएससी के थ्रू नौकरी चाहिए और केमिस्ट्री में यूपीएससी के लिए भविष्य तलाश रहे हैं, तो आज ही वो दिन है जब आपको उस भविष्य के बारे में सारी जानकारियां मिल सकती हैं। धन्यवाद एटोमिस, बहुत बहुत धन्यवाद। सो दिस इज द सेशन फॉर जियो केमिस्ट एज वेल एज यूपीएससी सिविल सर्विसेज मेंस में केमिस्ट्री एज ए सब्जेक्ट का सेशन। फाउंडेशन डे हम सेलिब्रेशन फेस्टिवल मना रहे हैं और उस फेस्टिवल 12 दिन का जो फेस्टिवल चलेगा उसमें बहुत सारे सेशन मैं आपके लेके आ चुका हूँ ऑलरेडी। DUBHU का मैंने सेशन किया, सेशन किया CSIR नेट का सेशन, और भी बहुत सारे आपके सामने मैंने किए थे, उन्हीं सेशन की श्रृंखला सीरीज में ये एक नया सेशन है यूपीएससी जियो केमिस्ट्री का। सबसे पहले तो हमारे टॉपर से इस बार यूपीएससी जियो केमिस्ट्री के जो लास्ट टॉपर हमारे वो मिल लीजिए, AR1 सागर से, AR3 विवेक से, दोनों यूपीएससी के जियो केमिस्ट्री के टॉपर रहे, और दोनों को बहुत बहुत बधाई और दोनों को आपके भविष्य के लिए शुभकामनाएं। और अगली बार कोशिश कीजिए कि ये जो फोटो लगी हुई है, इन फोटोज की जगह आपकी फोटो आए, पहले तो ये प्रण कर लीजिए घर पे बैठ के कि इन फोटो की जगह आपकी फोटो आनी चाहिए, जरूर लाएंगे। सागर विकास सागर का इंटरव्यू कर देंगे, जरूर लाएंगे, एकदम सच है, एकदम सच है आर्या खान, बिल्कुल सच है, बिल्कुल सच है, बिल्कुल सही सुना आर्या खान तूने, बिल्कुल देख भी लिया तेरे सामने आर्या खान, आपके सामने आपने देख भी लिया, ये देखिए आरा खान।
So, ये दोनों की मार्क्स लिस्ट है, चाहे तो आप देख सकते हैं सागर जिंदल की मार्क्स लिस्ट है, ये मार्क्स लिस्ट है विवेक भारद्वाज की, और मैंने पहले भी सेशन में एक बार आपको बताया था, आज भी एक बार फिर से देख लीजिए कैसी दिखती है टॉपर्स की मार्कशीट, 37.82, 253 लगभग बराबर नंबर है, 143 पेपर में, ये पूरा का पूरा इनकी मार्कशीट है। इनके बारे में मार्कशीट बारे में चर्चा करेंगे, पहले पेपर का पैटर्न जान लेते हैं। सबसे पहले तो यूपीएससी जियो केमिस्ट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कौन लोग होते हैं जो इस प्रकार की परीक्षा में फॉर्म भर सकते हैं? डेफिनेटली आप ही वो लोग हैं जो इस प्रकार की परीक्षा में, सर क्या केमिस्ट्री के थ्रू आईएएस बन सकते हैं अभी से? एकदम बन सकते हैं। यस आरा खान, एब्सोल्युटली यू आर राइट आरा खान। पायल मेहमान ऑल्सो, यस आरा खान यू आर राइट। अभिषेक मंडल, बिल्कुल बन सकते हैं। केमिस्ट्री एज एन ऑप्शनल आजकल बड़ा हॉट सब्जेक्ट बना हुआ है और खूब लोग लेते हैं। तो पहले तो ये ग्रेड ए की सर्विसेज है, क्लास वन सर्विसेज, मतलब जबरदस्त मामला है। ग्रेड ए की सर्विसेज मतलब भारत में सबसे ऊंची ग्रेड की सर्विसेज जिनमें एंट्री मिलती है वो सर्विसेज है, एंट्री पे ग्रेड ए की सर्विसेज मिल रही है, इससे बढ़िया बात हो ही सकती? एमएससी केमिस्ट्री आपको चाहिए, अप्लाइड केमिस्ट्री भी चलेगी, एनालिटिकल भी चलेगी, कुछ भी चलेगी, किसी भी छुट्टी से चाहे एमएससी कर रहे हो या अप्लाइड से। कई लोग कहते हैं सर मैंने तो एमएससी नहीं करी है, मैंने तो एमएससी केमिस्ट्री से नहीं करी, अप्लाइड केमिस्ट्री से करी है तो अप्लाइड भी चलेगा इसमें। कई लोग कहते हैं मैं तो सर एनालिटिकल से करी है, चलेगा, एनालिटिकल तो इसमें भर भर के आती है, चलेगा नहीं वो तो और ज्यादा दौड़ेगा, एनालिटिकल वालों को तो ज्यादा प्रेफरेंस मिलता है इसमें, दौड़ेगा। या फिर आपका कोई पीजी डिप्लोमा होगा 2 साल के ड्यूरेशन का, किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट से होना चाहिए इन्हीं रेस्पेक्टिव डिसिप्लिन में, या कोई इंटीग्रेटेड कोर्स हो तो भी चलेगा, मतलब मास्टर या पीजी, पीजी का कोर्स हो, पीजी का डिप्लोमा हो, केमिस्ट्री में हो, अप्लाइड केमिस्ट्री में हो, एनालिटिकल केमिस्ट्री में हो, चलेगा। और जो लोग फाइनल ईयर में हैं वो भी उनका रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, अप्लाई कर सकते हैं इस परीक्षा को, मतलब एमएससी फाइनल वाले भी कर सकते हैं परीक्षा, अप्लाई होने चाहिए। आप भारत के नागरिक वो तो आप है ही है, यही उम्र आपकी 31 से 32 के बीच ही होगी, उससे नीचे आपकी हो नहीं सकती और ऊपर आपकी होने का चांसेस नहीं बनता है। सो ये उम्र में तो आप 21 to 32 में आए होंगे। प्लान ऑफ एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन का प्लान क्या होता है? 3 स्टेज में होता है ये एग्जामिनेशन। स्टेज 1 जिसको हम प्री बोलते हैं, उस प्री एग्जाम के मार्क्स भी जुड़ते हैं, याद रहे ये प्री सिविल सर्विसेज के प्री जैसा नहीं है कि इसके मार्क्स नहीं जुड़ते, इस प्री के मार्क्स भी जुड़ते हैं फाइनल मेरिट लिस्ट में। इट मीन्स ये प्री ना केवल क्वालिफाइंग नेचर का है बल्कि ये प्री मेरिट में भी काउंट होता है। 400 नंबर के प्री के 2 पेपर होते हैं अभी जानेंगे, जिसमें से एक पेपर होता है जीएस का और एक पेपर होता है केमिस्ट्री का। स्टेज 2 में 3 केमिस्ट्री के पेपर होंगे, 600 मार्क्स के, इसको स्टेज 2 मेंस कहते हैं। जो स्टेज 1 था प्री, वो प्री बेसिकली ऑब्जेक्टिव टाइप का होता है, जबकि मेंस जो है उसमें आपको रिटर्न आंसर करने पड़ते हैं, लिखने पड़ते हैं आंसर आपको कॉपी पर। स्टेज 3 तो यूपीएससी में ऑफकोर्स पर्सनैलिटी टेस्ट या इंटरव्यू होगा। 3 स्टेज में आप पास होंगे, स्टेज 1, 2 और 3, तीनों ही स्टेज क्वालिफाइंग नेचर की भी है, तीनों को पास भी करना पड़ेगा। बिल्कुल कैटेगरी वालों को आरा खान रेंज में रिलैक्सेशन मिलता है, एकदम मिलता है कैटेगरी वालों को, तो मिलता ही मिलता है। आइए जरा जान लेते हैं तीनों स्टेजों को डिटेल में। स्टेज 1 की चर्चा कर रहा हूं मैं सबसे पहले, प्री एग्जाम की। प्री एग्जाम में 2 पेपर होंगे आपके और दोनों ही 2-2 घंटे के होंगे। 2 घंटे का जीएस का पेपर भी होगा और 2 घंटे का केमिस्ट्री का पेपर भी होगा। जीएस का पेपर अफसोस मात्र 100 नंबर का होगा केवल, और केमिस्ट्री का पेपर 300 मार्क्स का होगा। टोटल 400 मार्क्स का पेपर होते, याद रहे दोनों में अलग अलग क्वालिफाई करना जरूरी है, दोनों में मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स चाहिए, इसीलिए दोनों में मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स पास करोगे तो ही आगे आप मेंस दे पाओगे, अदरवाइज मेंस दे पाओगे। इसका ये मतलब नहीं है कि आप जनरल स्टडी में 0 लाके केमिस्ट्री में पूरे नंबर लाके दे सको, नहीं दे पाओगे, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग 100% होगी, पक्का ही होगी, और वो 1/3 होती है, और 1/3 ही नॉर्मली नेगेटिव मार्किंग हुआ करती है। कैलकुलेटर का कोई यूज नहीं है। स्टेज 1 ऑब्जेक्टिव नेचर का होगा, ये भी ऑब्जेक्टिव, ये भी ऑब्जेक्टिव, ये पेपर भी ऑब्जेक्टिव होगा, ये पेपर भी ऑब्जेक्टिव होगा। केम एकेडमी की आप यूट्यूब चैनल पे जाके देख सकते हैं, इनके सॉल्यूशंस कराए हुए हैं, ऑब्जेक्टिव के सॉल्यूशन हमने कराए हुए हैं, इस बार के प्री के सॉल्यूशंस वहां पे जाके देख सकते हैं पेपर का लेवल कैसा आता है।
समझ में आ जाएगा। नेट से तो हल्का होता है, जेम और उसके ऊपर का लेवल का पेपर कह सकते हो, नेट से काफी हल्का पेपर होता है। कंबाइंड जियो साइंटिस्ट स्टेज टू मेंस, मेंस दैट इज रिटन एग्जाम, आपको कॉपी में लिखने पड़ेंगे सॉल्यूशंस, और उसमें तीन पेपर होंगे, पेपर वन भी केमिस्ट्री का, पेपर टू भी केमिस्ट्री का, पेपर थ्री भी केमिस्ट्री का, तीनों ही पेपर तीन तीन घंटे के होंगे और 200-200 नंबर के बराबर होते हैं। क्या आता है इन पेपर में, अभी बता दूंगा, कुल 600 नंबर का। याद रहे वो जो 400 शुरू के थे ना प्री वाले, वो भी काउंट होंगे, ऐसा नहीं है कि प्री वाले नंबर काउंट नहीं होंगे। आरा खान कट ऑफ अलग अलग होती है, लेकिन होती अलग अलग है कट ऑफ दोनों पेपर की, ठीक है। 600 नंबर टोटल है आपका मामला। सिलेबस पे आ जाते हैं, सिलेबस क्या है, सिलेबस मैंने स्टेज टू का ही लिखा है, स्टेज वन का सिलेबस प्री का तो वैसे जीएस का तो कुछ लिखा नहीं होता, बहुत सारा जीएस में जितनी भी चीजें आती है वो सारी की सारी आती है। स्टेज टू का डिस्क्रिप्टिव वाले का सिलेबस लिखा है मैंने, बिकॉज अभी मेंस का ही एग्जाम है। डिस्क्रिप्टिव वाले में पहला पेपर, फर्स्ट पेपर लिख रहे हैं केमिस्ट्री का, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पेपर है। इनऑर्गेनिक पहला होता है इनऑर्गेनिक, जिसमें इनऑर्गेनिक सॉलिड और कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक सॉलिड अपने आप एक नई यूनिट है, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, एसिड बेस टाइट्रेशन, ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस, रेडॉक्स टाइट्रेशन, थोड़ा सा कन्वेंशनल अनकन्वेंशनल टाइप का है, एनालिटिकल टाइप का आपका पोर्शन है। टाइट्रेशन जिसमें पूछेंगे आपको, कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन बहुत बढ़िया आपको पढ़ा रखा है एनालिटिकल मैडम ने, शानदार। ऑर्गेनोमेट्रिक कंपाउंड ओएमसी यहां पर है। उसके बाद आपका न्यूक्लियर केमिस्ट्री, डी और एफ ब्लॉक, ये मिला के जियो केमिस्ट यूपीएससी का पेपर वन का सिलेबस है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो पेपर था, फिर से समझ लेंगे कौन कौन से टॉपिक आपके हैं इसमें, इसमें इनऑर्गेनिक सॉलिड्स एक अलग से टॉपिक है आपका, फिर कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री वो तो होता ही होता है, इसके बाद एसिड बेस टाइट्रेशन हो गया, ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस हो गया, रेडॉक्स टाइट्रेशन हो गया, कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक हो गया, ऑर्गेनोमेट्रिक कंपाउंड हो गया, न्यूक्लियर केमिस्ट्री और केमिस्ट्री और ऑफ डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट, उनकी केमिस्ट्री। ये आपका पेपर वन के इनऑर्गेनिक का सिलेबस है। पेपर टू होता है आपका फिजिकल केमिस्ट्री का, वन होता है ऑर्गेनिक का, टू फिजिकल का, और थ्री में एनालिटिकल, सॉरी वन होता है इनऑर्गेनिक का, टू फिजिकल का, और थ्री में एनालिटिकल प्लस ऑर्गेनिक होता है आपका। सो फिजिकल केमिस्ट्री में केटीजी और गैसेस स्टेट, सॉलिड स्टेट, ये कन्वेंशनल टाइप का हमारे जो टॉपिक है वो मिलेंगे आपको, थर्मोडायनेमिक्स और केमिकल इक्विलिब्रियम, इसके बाद आपको मिल जाएगा काइनेटिक्स, फिर मिलेगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, क्वांटम केमिस्ट्री, उसके बाद आपको मिलेगा सिलेबस में बेसिक प्रिंसिपल्स और एप्लीकेशन ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी, यानी कि फिजिकल स्पेक्ट्रा आपका आ गया पूरा पूरा, रोटेशनल, वाइब्रेशनल, रमन सब आ गया इसमें, फिर फोटोकेमिस्ट्री भी अपने आप में एक यूनिट है। तो फोटोकेमिस्ट्री के बाद यह मामला खत्म हो जाता है। इतना ही सिलेबस था फिजिकल केमिस्ट्री पेपर टू का। पेपर थ्री दो हिस्सों में बटा होता है, जिसका ए पार्ट एनालिटिकल है और बी पार्ट ऑर्गेनिक है। कहने का मतलब ऑर्गेनिक उतनी ज्यादा नहीं आती, बिकॉज इसका मेनली जो इसका जॉब है या जॉब की जो डिस्क्रिप्शन है वो एनालिटिकल केमिस्ट्री से रिलेटेड बहुत ज्यादा है, जियोलॉजी से रिलेटेड बहुत ज्यादा है, इसलिए बहुत ज्यादा ऑर्गेनिक का नहीं पढ़ेंगे उसमें, बहुत ज्यादा नहीं है। अच्छा पार्ट ए प्योर एनालिटिकल है इसका। पेपर थर्ड को दो हिस्सों बटा हुआ, एक पार्ट एनालिटिकल एक पार्ट ऑर्गेनिक। एनालिटिकल में एरर्स इन क्वांटिटेटिव एनालिसिस आपका ये सब आ गया, सिग्निफिकेंट फिगर्स वाला सारा, फिर आपके सारे सेपरेशन मेथड, क्रोमेटोग्राफिक और सॉलेंट एक्सट्रैक्शन सारा आ गया, स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड्स आ गए एनालिसिस के आपके, वो है यूवी विजिबल या इंफ्रा फलाना ढिमकाना, थर्मल मेथड्स आ गए एनालिसिस के, वो भी अपने आप में यूनिट है थर्मल मेथड, एक्सरे डिफ्रेक्शन आ गया आपका, एक्सरे मेथड एनालिसिस आ गया, इंडक्टिवली कपल्ड प्लाज्मा, अच्छा आईसीपी स्पेक्ट्रोस्कोपी आ गई, एनालिसिस ऑफ जियोलॉजिकल मटेरियल्स आ गया आपका। सो ये रहा एनालिटिकल का पार्ट। अब लास्ट में पेपर थर्ड का पार्ट बी, याद रहे ये पेपर थर्ड है, पेपर थर्ड का भी पार्ट बी, यानी कितना पोर्शन हो गया, 1/6 पोर्शन हो गया एक तरह से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसमें इंटरमीडिएट हो गए आपके, एडिशन रिएक्शंस होगी आपकी, रिएक्शन कार्बोनिल ग्रुप की हो गई और ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो गया आपके रिएजेंट टाइप का, इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन हो गई, यानी पहली सेकंड पार्ट हो गया, स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड्स ऑफ एनालिसिस हो गया, ये आपके ऑर्गेनिक का पोर्शन है, खत्म हो जाता है स्पेक्ट्रोस्कोपी पे जाके। तो कुल मिला के अगर हम बात करें, पेपर वन आपके इनऑर्गेनिक का, जिसमें भी इनऑर्गेनिक के पोर्शन के साथ साथ
कुछ टाइट्रेशंस की कहानी, यानी कि उसको इनऑर्गेनिक प्लस टाइट्रेशंस की स्टोरी बोल सकते हो सारी की सारी आप। वो आपका पेपर वन है इनऑर्गेनिक का, जिसमें इनऑर्गेनिक प्लस टाइट्रेशंस हो गया। पेपर टू आपका फिजिकल का हो जाएगा 200 नंबर का। दिस इज पेपर टू आपके फिजिकल केमिस्ट्री का 200। ये नॉर्मल फिजिकल में जो अपना होता है वो 200 नंबर का हो जाएगा, 200 मार्क्स का। इसमें थोड़ा सा आपको टाइट्रेशंस बहुत एक्स्ट्रा पढ़नी पड़ती है, 200 मार्क्स का ये मामला है। और पेपर जो थर्ड है आपका, उस पेपर थर्ड में एनालिटिकल एक पोर्शन, आधा पोर्शन एनालिटिकल होगा और आधा पोर्शन आपका ऑर्गेनिक का होगा। सो आधा पोर्शन एनालिटिकल, आधा ऑर्गेनिक, ये भी मिला के 200 मार्क्स का। तो कुल मिला के 600 मार्क्स का, 600 मार्क्स का पेपर है ये। 600 मार्क्स, ये 600 मार्क्स में जो ठीक ठाक भी कर जाता है, एवरेज मतलब बहुत बढ़िया, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करने की जरूरत नहीं, एवरेज भी अगर कर गए ना तो भी आप आराम से, अगर प्री क्वालिफाई होके यहां तक आ गए हो तो प्री क्वालिफाई हुए हो, इसका मतलब आपके पास 250 नंबर तो वैसे ही है लगभग लगभग। अगर आप प्री क्वालिफाई किए हो तो 250 नंबर तो वैसे ही है लगभग लगभग आपके पास, तो उसका मतलब आप फिर थोड़ा बहुत ही बचता है, बहुत ज्यादा नहीं बचता। ये ट्रेंड एनालिसिस है, इसकी चर्चा बाद में करूंगा, पहले चर्चा करता हूं काम की कट ऑफ की। बहुत जरूरी है ये जानना, बहुत जरूरी है नंबर कितने आने चाहिए भैया, कितने नंबर आने चाहिए कि मैं नौकरी लग जाऊंगा, और वो भी इतनी तगड़ी नौकरी, इतनी तगड़ी नौकरी कि बहुत जल्दी आ जाएगी आपकी, मामला शादी वादी हो जाएगी, बढ़िया आपका मस्त वस्त मामला बन जाएगा जिंदगी में, तनख्वाह का भी ठीक ठाक मिलती है इसमें, और रेपुटेशन भी बढ़िया है समाज में, इसका मतलब अच्छा मामला, अच्छी नौकरी केमिस्ट्री वालों के लिए, एक प्रेस्टीजियस टाइप की नौकरी कह सकते हैं आप, अच्छी नौकरी। कितने नंबर पे मिलती है नौकरी, नंबर बता देता हूं मैं आपको। पहले तो आपको प्री में भाई लगभग लगभग 238 नंबर लाने पड़े जनरल कैटेगरी को, प्री में 238। कितने में से लाने पड़े 238 बताओ, मैंने आपको बताया था कितने का होता है प्री का पेपर बताओ, याद करो 400 का होता है टोटल, 300 और 100 400 का बताया था आपको मैंने प्री का पेपर, याद करो 300 की केमिस्ट्री और 100 का जीएस, 300 की केमिस्ट्री और 100 का जीएस बताया था ना, 300 की केमिस्ट्री और 100 का, ये रहा 300 की केमिस्ट्री और 100 का जीएस, उसमें से कुल मिला के 400 नंबर में से 238 नंबर, पहले 238 मिनिमम लाने पड़ते हैं। काम करते हैं टॉपर के जान लेते हैं कितने हैं, इसको मारेंगे कॉपी और टॉपर को ले जाएंगे नीचे, और टॉपर को इसके बगल में लाके चिपका देंगे और देखेंगे इसके कितने आए, कितने मिनिमम चाहिए और कितने टॉपर के आ गए, दोनों ही कंपेयर कर लेंगे हम लोग, मिनिमम कितने चाहिए और इन्होंने कितना फोड़ा है, फोड़ू बंदों ने कितना फोड़ा है, दोनों कंपैरिजन कर लेंगे हम लोग। बहुत बढ़िया, ऊपर पहले मेरे कट ऑफ लिख ली, फिर टॉपर भी लिख लेता हूं बगल में। आओ 238 नंबर, 238 400 में से चाहिए, बहुत मुश्किल नहीं है क्योंकि केमिस्ट्री का पेपर उतना कोई तगड़ा नहीं होता, बहुत बहुत फाड़ू टाइप का होता, ऑब्जेक्टिव पेपर था, आप सॉल्यूशन भी देख सकते हो जाके केम एकेडमी यूट्यूब पे सर्च कर लेना, यूपीएससी जियो केमिस्ट सॉल्यूशन केम एकेडमी सर्च करना, केम एकेडमी यूपीएससी जियो केमिस्ट केम एकेडमी, आपको वहां मिल जाएगा इस मामले में 238 से ये 400 में से। उसके बाद स्टेज टू की कट ऑफ जो है ना वो 1000 में से, मतलब 1 और 2 दोनों मिला के 600 वो 400, 1000 में से 557 नंबर, लगभग लगभग आपके 55% नंबर अगर आए होंगे, जो भी व्हाटएवर जो परसेंटेज बनेगा आपका, हाँ 50% से थोड़ा ज्यादा बनेगा, उतने लगभग नंबर आए होंगे आपके, तो आपको मामला हो जाएगा आपका मेंस क्लियर। और 722 नंबर ले आओगे 1200 में से, 200 इंटरव्यू भी होता है, 200 इंटरव्यू है, 100 सवा 100 तो वैसे ही आ जाता है उसमें यार, 722 अगर 1200 में से ले आओगे तो भैया आप ये नौकरी पा जाओगे। 722 बहुत बड़ा नंबर नहीं है, 722 बिल्कुल बड़ा नंबर नहीं है। अगर आप 557 में से 238 सब्सट्रैक्ट करते हो, 17 में से 8 गए 9, ये 4 1 है ना, और ये बचा पे ये 319, लगभग आपको 600 में से 300 नंबर लाने हैं मेंस में, लगभग 600 में से मेंस में आपको 325 के आसपास नंबर लाने हैं मेंस में। इसका मतलब प्री में लगभग 250 लाने हैं, समझ लो लगभग 250 नंबर लाने हैं प्री में, पहले पहले तो वो फोड़ दो, प्री चाहिए चाहिए, पास नहीं होगे तो मेंस में जाओगे ही नहीं। उसके बाद लगभग आप 325 नंबर ले आओ 600 में से, वो तीनों पेपर मिला के 200 200 200 के, और फाइनली आप लगभग कितना बचता आपका 722 में से घटा लें, 722 में से 557 घटा लें तो 12 में से 7 गए तो 7 5 12 और ये हो गए 6 है ना, 12 में 6 गए तो 6 100, मतलब लगभग लगभग 150 एक नंबर और अगर आप ले आओ
तो मामला आपका बन जाना है भैया जियो केमिस्ट का, इतना ही मामला है, ये मामला है। और पहले खींच खींच के ज्यादा हो तो इंटरव्यू में कम भी आ जाए तो चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देखते टॉपर्स ने क्या फोड़ा है मामला, टॉपर्स से मिल देते हैं ना क्या फोड़ा है? विवेक ने क्या फोड़ा है? देखते मतलब थर्ड वाले ने, ये AIR 3 वाला है, ये AIR 1 वाला है, देखते इन्होंने क्या फोड़ा है। इन्होंने जीएस में तो 30 नंबर लाए और ये लाए भैया 38 नंबर। मतलब जीएस में तो मामला देखो साफ पता लग रहा है दोनों का, जितना केमिस्ट्री वालों का होता है उतना ही मामला है दोनों का। 100 में से 30 38 नंबर लाए, 41 नंबर मान के चलता हूं मैं इसको। केमिस्ट्री में दोनों 253.33 नंबर लाए साहब, 250 नंबर टिका गए भैया, ये पहले ही 250 टिका गए, कट ऑफ से तो बहुत आगे चले गए मामला इनका। फिर उन्होंने केमिस्ट्री के पेपर वन में 143 है इसके 138 है नंबर, तो लगभग 200 में से 138 ले, 165 पेपर टू में फोड़ा है फिजिकल वालों में, 163 165 अक्सर फोड़ते हैं बिकॉज पेपर वन में टाइटेशन आती है, पेपर टू में तो प्योर फिजिकल है मामला, 163 फोड़ा है इस मामले में। फिर 132 एनालिटिकल वाले पेपर में 132 126 लगभग इसमें कमी है। ये ध्यान रखना ये जो एनालिटिकल वाला पेपर ढंका कर गया ना, क्योंकि लगभग पेपर वन पेपर टू में नंबर आ जाते हैं बच्चों के, दो चीजों पे अगर आपने कमांड मामली मार दिया ना, क्योंकि इतनी केमिस्ट्री तो आप पढ़ के रखते हो, लेकिन बस ये जो दो एक्स्ट्रा ना एनालिटिकल और टाइट्रेशन, इन दोनों को आप अगर पी गए ना, पी गए मतलब एकदम पी गए ना इन दोनों को, तो खेला बन जाएगा आपका, पक्का खेला बन जाएगा 100%। कुल मिला के 877 नंबर आए इसके, और उसके आए 850 नंबर टॉपर के, यानी 850 तो टॉपर के, और कट ऑफ वाले के कितने थे 722, उनसे तो 100 नंबर इनके फालतू है, लगभग 100 नंबर मामला फालतू हो गया। तो कुल मिला के बात ये है भैया 750 का टॉपर भी क्या हो, तो अपने नौकरी मिल जानी चाहिए, AIR 1 और 3 से क्या फर्क पड़ रहा है आपको, नौकरी मिल जाए 750 नंबर पाओ, जिंदगी में एस मनाओ भैया, 750 नंबर पाने कुल मिला के, 750 में से प्री है आपके पास पाने के लिए नंबर, मेंस है, प्री है आपके पास पाने के नंबर, मेंस है आपके पास, और इंटरव्यू है आपके पास, इंटरव्यू तीनों को मिला के कुल मिला के ये कितने का होता है 400 का, ये 600 का, ये 200 का, कुल मिला के 1200 का, में से 750 ले आओ और जिंदगी ऐसी ऐस में कटेगी। याद रहे बहुत सारे बच्चे जियो केमिस्ट की सीरियसली तैयारी नहीं करते, इसलिए जो ठीक ठाक करता है ना, इससे ओरिएंटेड होकर तैयारी करता है, वो पास कर ही जाता है, निकल ही जाता है मामला उसका, आराम से निकल जाता है अगर आप थोड़ा सीरियस होकर इसी को एग्जाम को लो, बिकॉज इसकी तैयारी कोई स्पेशली नहीं करता है। आइए आप जरा देखते हैं टॉपिकों में किस किस से कितना कितना पूछा हुआ है, मीन्स में भर भर के किससे आया वो देख लेते हैं। कोऑर्डिनेशन तो सदा ही भर भर के आता है, उसका तो पूछना ही क्या है, 10-10 सवाल 8-8 सवाल, मतलब ये तो पूछो ही, मतलब भर भर के मामला आता है आपका, कोऑर्डिनेशन तो भर भर के। पेपर वन का बात चल रही है, जियो केमिस्ट्री पेपर वन मेंस की, ऑर्गेनोमेट्रिक 2 आपका, न्यूक्लियर केमिस्ट्री 2, फिर डी ब्लॉक 3, इनऑर्गेनिक सॉलिड 3, इनऑर्गेनिक सॉलिड बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बढ़िया से पढ़ाया है मैम ने, हमने हमारे कोर्स में भी बहुत अलग से, बहुत शानदार टॉपिक है आपका ये इनऑर्गेनिक सॉलिड बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें ना डिफरेंशिएट होता है। देखो कोऑर्डिनेशन बच्चे कर लेते हैं, ऑर्गेनिक वाले कर लेते हैं, न्यूक्लियर कर लेते हैं, डी ब्लॉक कर लेते हैं, ये पढ़े होते हैं, ये नहीं कर ब्लॉक कर लेते हैं, ये एक एसिड बेस्ड टाइट्रेशन इस मामला, ग्रेविमेट्रिक टाइट्रेशन ये मामला, रेडॉक्स टाइट्रेशन ये मामला, कॉम्प्लेक्स ये टाइट्रेशन जान है, ये चारों जान है, बाकी ऊपर तो है ही, पर इसमें लोग अच्छा नहीं कर पाते, ये चारों बहुत बढ़िया कर गए आप, और ये इनऑर्गेनिक सॉलिड वाला यही पांच, ये पांच वो बिंदु है, ये 5 बिंदु, एसिड बेस टाइट्रेशन, ग्रेविमेट्रिक टाइट्रेशन, ये 5 वो टॉपिक, बाकी नॉर्मली कोऑर्डिनेशन सब कर देंगे, आप भी कर दोगे, ऑर्गेनोमेट्रिक कर ही जाते हैं, इतना आपको आता है, न्यूक्लियर आपको आती है, डी ब्लॉक आता है, एफ ब्लॉक आता है, ये 5 है, इनऑर्गेनिक सॉलिड, एसिड बेस टाइट्रेशन, ग्रेविमेट्रिक टाइट्रेशन, रेडॉक्स टाइट्रेशन, कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन, ये 5 अगर बढ़िया से मार गए ना आप, जोरदार मार गए ना 5, तो समझ लो आपका भन्नाटेदार पेपर निकल जा रहा है, जबरदस्त पेपर वन में आप लीड करते दिखोगे, काफी बाय फार नंबर्स लीड करते दिखोगे, 4 टाइट्रेशन 1 इनऑर्गेनिक सॉलिड, 4 टाइट्रेशन 1 इनऑर्गेनिक सॉलिड, 4 टाइट्रेशन 1 इनऑर्गेनिक सॉलिड। हाँ कमांडो वो बताऊंगा मैं, जियो केमिस्ट का और सिविल सर्विस का वो आगे आ रहा है, वो कंपैरिजन में आपको सिखाऊंगा, ठीक है। अच्छा अब आता है पेपर 2 की कहानी, फिजिकल केमिस्ट्री की,
उसमें कितने कितने सवाल, थर्मोडायनेमिक्स 4-2, फिर उसके बाद सरफेस केमिस्ट्री, फिर सॉलिड स्टेट, ये सब कन्वेंशनल टॉपिक है, सबने पढ़े होते हैं, इसलिए पेपर 2 में लगभग सब बच्चों को उतने नंबर आते हैं, 160 165 100, मैं तो जितने मार्कशीट देखता हूँ 150 प्लस ही मिलते हैं मेरे को, जितने मार्कशीट में देखे 150 प्लस ही मिले हैं मेरे को आज तक, इनमें लगभग सब उतने ही मिलते हैं, थर्मो सबको आती है, सरफेस सॉलिड इलेक्ट्रो सब पढ़े होते हैं बचपन से, काइनेटिक्स फोटोकेमिस्ट्री क्वांटम फिजिकल स्पेक्ट्रा केटीजी और गैस स्टेट सब पढ़े होते हैं ये, तो पेपर 2 डिफरेंशिएटिंग पेपर नहीं होता, ये तो आप पढ़े ही होते हो, ढंग से रिवीजन करेंगे अच्छे से सवाल लगा लेंगे तो बन ही जाना है, ये तो आराम से बन जाना, आराम से इजीली हंसते खेलते नाचते गाते ही बन जाना, ये वाला पोर्शन तो उतना तगड़ा है नहीं, तो इसमें कुछ नया बताने को मेरे को है नहीं, सब पढ़े होते हैं, हर नेट में पढ़े होते हैं, जैम में पढ़े होते हैं जिंदगी में, एनालिटिकल दिस इज इट, ये है बहुत काम की चीज, बड़ा डिफरेंस क्रिएट करती है पूरे बच्चों के बीच, टाइट्रेशन एनालिटिकल, यही दो चीज, बाकी इंटरमीडिएट किसको नहीं आते, मैकेनिज्म किसको, पेरिसाइक्लिक किसको नहीं आती, फोटोकेम किसको नहीं आता, स्पेक्ट्रोस्कोपी किसको नहीं आती, नेम रिएक्शन किसको नहीं आती, मतलब मैं कह रहा हूं ऐसा कोई है नहीं जिसको नहीं आती, स्पेक्ट्रोस्कोपी सब कर देंगे, ये सब कर देंगे रे मैकेनिज्म का, ये सब कर देंगे इंटरमीडिएट के साथ, पेरिसाइक्लिक का सब कर देंगे, फोटोकेम का सब कर देंगे, नेम रिएक्शन का सब कर देंगे, कुछ नहीं है ये एनालिटिकल, कुल मिला के बात अगर मैं आपको कहानी का लब्बो लुबा बोलूं, कुल मिला के बात है वो यही है, क्या यही है, ये तीन चीजें हैं जो आपको मेंस में अलग करेंगी, क्या क्या तीन चीजें, एक तो इनऑर्गेनिक सॉलिड नाम का एक चैप्टर है, वो आपको वो बच्चा नहीं देख के जाता, वो एक चैप्टर है, एक चैप्टर ये हो गया, एक 4 टाइट्रेशन है आपकी, 4 टाइट्रेशन है ये वाला पोर्शन, और एनालिटिकल केमिस्ट्री, अगर ये ढंग से पूरा डिटेल में पढ़ा है, अगर ये ढंग से कर गए, ये तीन चीजें आप एक्स्ट्रा ढंग से पढ़ गए, बाकी इनऑर्गेनिक आपसे हो जाने, फिजिकल आप रिवीजन करके बढ़िया करके कोर्स से कर लोगे, इन तीन चीजों में आप खेल गए तो बाई फार नंबर आप आगे चले जाओगे, बहुत सारे प्री पास कर गए हो गलती से, कर जाओगे और यहां तक पहुंच गए, तो ये तीन चीजें फोकस में रख लेना, ये फोकस में रख लेना, ये फोकस में रख लेना, क्या बोला मंकू रॉक्स, क्या कह रहा है, क्या कह रहा है भाई, पार्ट इलेक्ट्रिकल वाले पेपर के 2 पार्ट होते हैं ना भैया, पेपर 3 के 2 पार्ट होते हैं, एनालिटिकल और ऑर्गेनिक, क्या कह रहा है मंकू रॉक्स, अच्छा तुझे एनालिटिकल आती है ऑर्गेनिक नहीं आती, वो तेरा विषय है वो, ओके कोई बात नहीं, होता है कभी कभी होता है लोगों के साथ, ठीक है, बाकी आती है लोगों को इतनी ऑर्गेनिक, इतनी बड़ी बात नहीं, उतना बहुत तगड़ी ऑर्गेनिक पूछते नहीं है उसमें, ये तीन चीजें, गांधी जी के 3 बंदर, जियो केमिस्ट हो जाओ अंदर, क्या है गांधी जी के 3 बंदर, इनऑर्गेनिक सॉलिड टाइट्रेशन एनालिटिकल, इनऑर्गेनिक सॉलिड, हाँ मंकु सुन लिया, टाइट्रेशन एनालिसिस, ये गांधी जी के 3 बंदर है, ये 3 बंदर पढ़ो, हो जाओ अंदर जियो केमिस्ट की, नौकरी पाओ बढ़िया, क्लास 1 आप सर, शादी भी हो जाएगी अच्छा टाइम से, जिंदगी कटेगी मजे में, चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं, अब हम चर्चा कर रहे हैं इंटरव्यू कैसा हो, इंटरव्यू की टाइम, इंटरव्यू की चर्चा करेंगे, यूपीएससी का इंटरव्यू बढ़िया पैनल बैठा होता है वहां पर मेंबर, और ज्यादातर सवाल एनालिटिकल से पूछते हैं, बहुत सारे सवाल एनालिटिकल टाइट्रेशन, क्योंकि यही फील्ड जॉब का उनका पार्ट है, इससे बहुत पूछते हैं, या फिर पेट्रोलियम और पेट्रोलियम प्रोडक्ट से रिलेटेड, कोल पेट्रोलियम डीजल फॉसिल फ्यूल, इनमें बहुत काम होगा आपका, सर्वे वर्वे का बहुत काम होगा उसमें पूछेंगे, या फिर जियोलॉजी से रिलेटेड सिस्मिक प्लेट्स उनसे रिलेटेड और जियोलॉजी से रिलेटेड सवाल पूछेंगे, इंटरव्यू के लिए बात इंटरव्यू के टाइम कर लेंगे, इस तरह के सवाल आपके पूछे जाते हैं, बहुत आसान है, अगर आपका मेंस पास हो जाए तो बहुत समय होता है इंटरव्यू की तैयारी करने के लिए, बहुत ज्यादा नहीं होता, या कोई बहुत यूपीएससी की तरह सिविल सर्विस की तरह तगड़ा इंटरव्यू नहीं होता, नौकरी कहाँ कहाँ मिलती है, सब बढ़िया बढ़िया जगह मिलती है नौकरी, जयपुर मिलेगी मेरे शहर में आ जाना, मस्त जगह मिलती है, क्वार्टर भी बहुत बड़े, WTP वर्ल्ड ट्रेड पार्क के सामने वहां एकदम इसके वो बने हुए हैं क्वार्टर वाटर, बढ़िया जगह मिलती है, लखनऊ में बढ़िया मिल जाए, पटना में मिलती है, कोलकाता मिलती है, पुणे बढ़िया जगह, हमारा सेंटर भी है, जयपुर भी, हैदराबाद में मिलती है, चेन्नई मिलती है, शिलोंग में मिलती है, फरीदाबाद में मिलती है, वो पिक्चर देखी थी ना आपने, वो गया लंदन गया था, मैं भी जाऊंगा तैसे, तो आप भी वहां, हम तो पहुंच चुके हैं पुणे, आप भी पहुंचिए वहां पे नौकरी पाके,
भुवनेश्वर मिलती है, भोपाल मिलती है, चंडीगढ़ मिलती है, गांधीनगर मिलती है, बेंगलोर, नागपुर, कुल मिला के बढ़िया बढ़िया जगह, अच्छी जगह नौकरी मिलेगी आपको, बढ़िया जगह नौकरी मिलेगी। यस राधिका, बढ़िया जगह आपको नौकरी मिलती है, बढ़िया जगह, अच्छी जगह। सैलरी क्या होता है? खूब होता है, ये तो बेसिक पे है, हाथ में तो खूब लाखों रुपए आती है। बेसिक पे तो 56,100 है, सेवंथ पे के कमीशन के बाद, सातवें पे कमीशन के बाद 56,100 रुपए है, हाथ में तो काफी आती है, लाखों रुपए आती है हाथ में, इतनी आती है आपसे बीतेगी भी नहीं, पूरा एकदम रहने के लिए घर वार गाड़ी वाड़ी सब मिलती है। क्या प्रॉब्लम है यार, पैसे ही खर्च नहीं होता इतना, कौन दिक्कत है, मस्त नौकरी है एकदम, चकाचक नौकरी है। रेफरेंस किताबें कौन सी है? वैसे तो कैम एकेडमी का इस बार हमने पूरा कोर्स करा दिया है, और कल स्टडी मटेरियल भी उसका खत्म हो गया, आज प्रिंटिंग के लिए चला गया, आज कंप्लीट हो चुका है। हमारे बच्चों को भी इन्फॉर्म कर दूं कि कल से उनका स्टडी मटेरियल डिस्पैच हो जाएगा, 2-3 दिन बाद कंप्लीट हो गया। बहुत दिन लगे उसको बनाने में, लेकिन पूरा बन गया, सब्जेक्टिव मटेरियल कंप्लीट बना है, समय तो लगा लेकिन बना है। वैसे किताबें बता देता हूं, ये यूनिट वाइज बहुत इंपॉर्टेंट किताब है, जहां से सवाल डायरेक्टली उठाए हुए हैं, ठीक है। केमिकल पीरियोडिसिटी का क्वेश्चन मेजरलैंड टार से, बॉन्डिंग स्ट्रक्चर वाले टार से, एसिड बेस के सवाल टार और हाउसक्राफ्ट से उठाए हुए हैं, और क्वांटिटी एनालिसिस वाले सवाल जो है आपके वो वोगल से, आपके गैस स्टेट वाले सवाल है वो वाकर, आपका थर्मोडायनेमिक्स है केएल कपूर, लास्टोन, आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है इलियास, पर बहुत सारे जो आप देख सकते हैं, जेरी मार्च आपका बेसिक ऑर्गेनिक का, नासीपुरी, क्लेडन आपका बेसिकली ऑर्गेनिक रिएक्शंस का, मॉलिक्यूल अरेंजमेंट के लिए आपका फिर से क्लेडन, क्लेडन से डायरेक्टली सवाल भी आए हुए हैं, मैं आपको बता दूंगा। इनऑर्गेनिक सॉलिड्स का चैप्टर ही है मेजरलैंड टार में, स्पेशल चैप्टर ही है, कॉर्डिनेशन कंपाउंड, हाउसक्राफ्ट, असीम के दास का आपका मामला हो गया, एनालिसिस एनालिटिकल केमिस्ट्री के लिए आपकी वो स्कूप वगैरह होती ही है, ये हुई आपका आ गया है, साइमन कॉटन आपकी किताब आ गई है, इसलिए इस रेफरेंस बुक देख सकते हैं, केटीजी के लिए पीटर वो वाकर आई गई है, हुई आ गई है, इस तरह से आप कार्डिस के लिए लेडलर है ही, फिर यार 9 मिलियाज है ही आपकी, प्रसाद है, क्वांटम केमिस्ट्री के लिए बेनवेल है, मैक्यूरी भी है, बेनवेल लेडलर, ये वो लिखी हुई जिनमें से सवाल डायरेक्टली पूछे हुए हैं वो लिखी हुई है। पार्ट ए के एनालिटिकल के वही स्कूप वोगल, वही एक ही किताब जो फेमस है, दुनिया पढ़ती रहती है उसी को बार बार, वो आपका हो गया। इंटरमीडिएट के लिए क्लेडन हो गया, मार्च हो गया, पोलाब्रूस, क्लेडन, पोलाब्रूस, जगदम्बा, कहीं से भी आप देख सकते हो। आपका रेफरेंसेस 2020 2020 के कुछ रेफरेंसेज मैं आपको दिखा रहा हूं, इससे आपको मालूम चलेगा कि डायरेक्टली वो सवाल कैसे पूछता है। जैसे पूछ रखा है मास स्पेक्ट्रोस्कोपी का सवाल है भाई, साइक्लोहेक्सेनॉन की पीक्स का दे रखा है, एमबाईजेड, फलाना ढिमका, आउटलाइन करो फ्रेगमेंटेशन, और ये सवाल डायरेक्टली पूछा हुआ है सिल्वरस्टीन से। ये रहा आपका सिल्वरस्टीन डायरेक्टली, ये रिसोर्स रहा, ये पेज नंबर रहा, फिगर 2.6 डायरेक्ट साइक्लोहेक्सेनॉन का पूछा हुआ है उसने, ठीक है। इसके बाद आपका एक रिएक्शन दी हुई है, ये रिएक्शन डायरेक्टली आपकी क्लेडन में है, यू की यू रिएक्शन क्लेडन है, और ये स्पेक्ट्रो वो क्या बोलते हैं, पेरिसाइक्लिक रिएक्शन है तो जनरल से भी, लेकिन डायरेक्टली क्लेडन का आपका रेफरेंस है। ट्रांस इफेक्ट सुटेबल एग्जाम्पल से बताइए, सारी किताबों मिल जाएगा, लेकिन टार से आपको इसको बढ़िया समझा देना, टार से बहुत सवाल पूछता है, टार मिजलर एंड टार से इनऑर्गेनिक में बहुत डायरेक्टली क्वेश्चंस होते हैं आपके यूपीएससी जियोकेमिस्ट में भी और यूपीएससी सिविल सर्विस मैन में, दोनों में टार से बहुत सवाल होते हैं। स्पाइरल की स्ट्रक्चर, ये तो आप ऐसे भी आती ही होगी आपको सारी स्पाइरल की स्ट्रक्चर, हाउसक्राफ्ट, टार, कहीं से भी ले लीजिए आप स्ट्रक्चर को, या आपके क्या बोलते हैं ऑर्गेनोमेट्रिक में पूछा है आपका डोडेका कार्बोनिल का और उसके एमएम बॉन्ड पूछे हैं, ये डायरेक्टली आपका मिजलैंड टार में बनाई हुआ है, देखो ये बने हुए सारे, ये Fe3 वाला एक क्वेश्चन है सारा डायरेक्टली एकदम बने हुए सीधे सीधे मिजलैंड टार, टार में से काफी सवाल आते हैं। इंटेंस कलर, ये आपका मिजलैंड टार में से यू पूछा हुआ है सारा का सारा मामला, ये आपका पूछा हुआ है डायरेक्टली हुई में से सीधा, SNX वाले कंपाउंड ये हुई में से आ गए डायरेक्टली, ICP टॉर्च ये आपका सीधा होलर में से पूछा हुआ है, स्कूप होलर, स्कूप होलर में से भी सवाल सारे वहीं से होते हैं, ये आपका क्रोमेटोग्राफी पूछा हुआ है, गैस क्रोमेटोग्राफी, ये अगेन स्कूप होलर वाला सारा UQ दिया हुआ आपको एकदम रेफरेंस, ये ऑर्गेनिक का आपकी फोटोकेमिस्ट्री का सवाल हो गया, और ये कोयल में से UQ आपका डायरेक्ट है। फिर अब आ गए हम यूपीएससी सिविल सर्विसेज मेंस पर, किताबें मैंने आपको बता दी है, यूपीएससी सिविल सर्विसेज मेंस, केमिस्ट्री एज ए ऑप्शनल, अगर देश का भविष्य अपने हाथों में रखना चाहते हैं, IAS IPS बनने की जिंदगी में इच्छा है,
और उसके लिए केमिस्ट्री को अपना हम सफर बनाना चाहते हैं, रास्ता बनाना चाहते हैं कि उसमें तैर के आईएएस बन जाए, तो केमिस्ट्री कैसा सब्जेक्ट है? बहुत बढ़िया सब्जेक्ट है, बहुत बढ़िया। अगर थोड़ा भी अगर आपको लिखना आता है ना, तो इससे आसान कोई सब्जेक्ट नहीं है, बिल्कुल बहुत फटीचर टाइप का पेपर आता है, एकदम टुच्चा टाइप का पेपर आता है। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि केमिस्ट्री ऑप्शनल कैसा है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, वेरी गुड, बढ़िया। कई लोग ये कहते हैं फलाना ढिमकाना साइंस में नंबर नहीं मिलते, लाने वाले किसी भी में नंबर ले आते हैं भैया। और अगर आपने एमएससी करी है, इतनी मेहनत करी है और दूसरा सब्जेक्ट तैयार करोगे उससे बढ़िया, तो केमिस्ट्री के साथ जा सकते हो भैया, आराम से जा सकते हो, कोई समस्या नहीं है। केमिस्ट्री एज ए मेंस ऑप्शनल में दो पेपर होते हैं ऑप्शनल में, आपको पता है आजकल एक ही ऑप्शन ले सकते हैं, उसके दो पेपर, पेपर वन और पेपर टू, 250-250 नंबर के दोनों पेपर होते हैं, 250-250 नंबर के दोनों पेपर होते हैं आपके, ठीक है। केमिस्ट्री वन का सिलेबस मैं बताया तो आपको पहले, तो पेपर वन का सिलेबस, दिस इज पेपर वन का सिलेबस, पेपर वन का सिलेबस यूपीएससी, और इसका जो सिलेबस है वो काफी अलग है, बहुत अलग है, मतलब कुछ कुछ मिलता है लेकिन बहुत कम मिलता है, बहुत ज्यादा नहीं मिलता इसका, बहुत बहुत जैसे क्लासिकल नेट वेट के टाइप के टॉपिक है वो एनालिटिकल और टाइट्रेशन टाइप का ज्यादा है, फिजिकल में आपको काफी मिल जाएगा, बाकी तो अलग सा ही है मामला। तो पेपर वन में क्या क्या है, एटॉमिक स्ट्रक्चर आपका हो गया, केमिकल बॉडी यानी इनऑर्गेनिक का पोर्शन पहले, सॉलिड स्टेट फिजिकल वाला आपका आ गया, गैसेस स्टेट, ट्रांसपोर्ट फिनोमिनन, सॉलिड स्टेट गैसेस स्टेट दोनों आपके टॉपिक्स आ गए। फिर आपके एक लिक्विड स्टेट, थर्मोडायनेमिक्स, फेज इक्विलिब्रिया और सॉल्यूशंस, मतलब ये इनऑर्गेनिक प्लस फिजिकल हो गया, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, काइनेटिक्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो गया, केमिकल काइनेटिक्स हो गया, फोटोकेमिस्ट्री हो गया, सरफेस केमिस्ट्री हो गया, सरफेस एंड कैटालिसिस वाला पोर्शन हो गया आपका। फिर आपके इनऑर्गेनिक कुछ टॉपिक आ गए, बायो इनऑर्गेनिक आपका हो गया, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री आपका, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री बहुत लंबा थोड़ा सिलेबस है, इसे पूरा कोऑर्डिनेशन से लेके ओएमसी तक का है, मेटल कार्बन एनोमली, यहां से ओएमसी भी शुरू है आपका, यहां से आपका ओएमसी भी शुरू है, ऑर्गेनोमेट्रिक्स भी, तो कोऑर्डिनेशन और ऑर्गेनोमेट्रिक एक ही साथ है इसमें। फिर मेन ग्रुप केमिस्ट्री भी है, बहुत स्पेसिफिक है, सारा मैंने पढ़ाया हुआ है यूट्यूब पे, वो वाला पोर्शन है बोराजीन, मतलब जो जो शुरू में जो पीपाई डीपाई के एप्लीकेशन है वो सारे के सारे मोराजीन फॉस्फाजेन साइक्लिक फॉस्फाजेन सिलिकेट सिलिकॉन इंटरहाइड्रोजन कंपाउंड सल्फर नाइट्रोजन कंपाउंड नोबल गैस कंपाउंड ये सारा का सारा। और फिर एफ ब्लॉक आपका पोर्शन है, सो जो पेपर वन है, दिस द पेपर वन इन यूपीएससी, पेपर फर्स्ट जो यूपीएससी मींस में है उसमें इनऑर्गेनिक प्लस फिजिकल क्या क्या आता है, इनऑर्गेनिक प्लस फिजिकल आता है, तो इससे साफ पता लग रहा होगा कि वहां इनऑर्गेनिक और फिजिकल का वेटेज बहुत ज्यादा था, कहा जियोकेमिस्ट्री, यहां दोनों को लपेट दिया एक ही पेपर के अंदर, इनऑर्गेनिक और फिजिकल दोनों लपेट के एक ही पेपर में आ गया आपका, ठीक है। पेपर टू में आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सिलेबस है पेपर टू, और पेपर टू बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज पेपर वन में लोगों के नंबर आते हैं, टू में नहीं आते, उसकी वजह है कि पहले तो ऑर्गेनिक में आपको लिखना, आंसर राइटिंग कैसे प्रेजेंट करना है, इसमें बहुत समस्या होती है, डीलोकलाइज्ड कोवेलेंट बॉन्डिंग यानी कि आपका सारा का सारा कॉन्जुगेशन और एरोमेटिसिटी वाला पार्ट हो गया, फिर रिएक्शन मैकेनिज्म वाला पार्ट हो गया, इंटरमीडिएट वाला सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन के बाद आपका पोर्शन हो गया एडिशन वाला, रिएक्शन और रीअरेंजमेंट वाला, पेरिसाइक्लिक वाला, और प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज ऑफ पॉलीमर वाला, रिएजेंट वाला पोर्शन हो गया आपका, रिएजेंट के बाद आपका फोटोकेमिस्ट्री आ जाएगा, यस, और उसके बाद आपकी स्पेक्ट्रोस्कोपी हो गई, स्पेक्ट्रोस्कोपी में सारी आपकी रोटेशनल वाइब्रेशनल इलेक्ट्रॉनिक एनएमआर है ना मास सारी स्पेक्ट्रोस्कोपी आपकी आ गई, एंड ये आपका ट्रेंड एनालिसिस। तो सबसे पहले तो ये समझ लीजिए बहुत ढंग से कि जियोकेमिस्ट और यूपीएससी सिविल सर्विसेज मेंस में हालांकि बहुत सारे टॉपिक कॉमन है, बट दोनों का नेचर ऑफ एग्जाम ऐसा है वहां बहुत वेटेज है इनऑर्गेनिक और फिजिकल के यूनिट्स पे और एनालिटिकल के यूनिट्स पे। एनालिटिकल का नामो निशान ही नहीं है, है ही नहीं, बिल्कुल ही कोई मतलब ही नहीं एनालिटिकल का। यूपीएससी मेंस में आपका सिविल सर्विसेज मेंस में एनालिटिकल कोई मतलब ही नहीं है, इट मींस अगर आप एनालिटिकल में अच्छे नहीं है, टाइट्रेशन में अच्छे नहीं है, एप्लीकेशन पार्ट में आप अच्छे नहीं है, एनालिटिकल बैकग्राउंड से नहीं आते हैं, तो आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज मेंस के लिए जाएं तो यहां कोई तकलीफ, वहां तकलीफ हो सकती है, वहां एनालिटिकल पढ़नी पड़ेगी आपको, एनालिटिकल के बिना पार नहीं पड़ेगी, या है ही नहीं एनालिटिकल आपका, एक पेपर फिजिकल इनऑर्गेनिक का, एक पेपर ऑर्गेनिक का है, बहुत बढ़िया कन्वेंशनल टॉपिक है, आज तक आप जो पढ़ते हो सारा वही सिलेबस है, बस लिखने का
और क्वेश्चन को प्रेजेंट करने का, आंसर राइटिंग का, आंसर को कितने बेहतर लिख सकते हैं, कितना अच्छे तरीके से लिख सकते हैं, उसी पे आपका सारा डिपेंड करता है मार्किंग वाला इसकी। तो सबसे पहले तो दोनों पेपर में कई लोग बोलते हैं एक ही तैयारी हो जाएगी, नहीं नहीं बिल्कुल सेपरेट मामला है पेपर। हालांकि दोनों ही रिटन एग्जाम होते हैं, दोनों में ही लिखना पड़ता है, लेकिन वहां जो आपका जियो केमिस्ट्री वहां नॉलेज का बहुत मामला है, केमिस्ट्री को जो केमिस्ट्री का पेपर है नॉलेज का बहुत मामला है, वहां पे आपको सब्जेक्ट नॉलेज, सवालों का स्टैंडर्ड भी अच्छा आएगा, नॉलेज भी आपको अच्छा रहेगा। यहाँ सवालों का स्टैंडर्ड नॉर्मल रहता है, आंसर राइटिंग और इस पर बहुत ज्यादा फोकस होता है, क्योंकि नॉर्मल कन्वेंशनल टॉपिक्स है सारे के सारे, यानी कि वहां सब्जेक्ट का नॉलेज बहुत काम आता है आपका, आप कितना पढ़े हुए बहुत काम आता है, कितना ज्यादा पढ़े हुए काम आता है, कितने यूनिट कवर के काम आता है। यहां सिलेबस तो पूरा करना ही है, उसके साथ साथ आपका और दूसरी स्किल्स, लिखते कैसे हो, प्रेजेंट कैसे करते हो, आपने किसी रिएक्शन को एक्सप्लेन करने का तरीका कैसा है आपका, आंसर राइट करने का तरीका कैसा है, कितना सुंदर लिखते हो, साफ लिखते हो, क्लियर लिखते हो, समझाने की लैंग्वेज आपकी कैसी, इस पर बहुत मैटर करता है। इसीलिए बहुत सारे बच्चे यूपीएससी सिलसिले से मेन में भारा के बोलते हैं मेरे तो 250 में से 200 आ जाएंगे इस पेपर में, और जब वो फाइनली जाते हैं तो पता लगता है 70 आ रहे हैं, 80 आ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने जो उनको लगता है कि उन्होंने सब सवाल सही कर दिए। सही करना और उसको सही से लिखना, दोनों में बहुत फर्क होता है। सही करना और उस आंसर को राइट लिखना, उस आंसर की राइटिंग को सही लिखना, दोनों में जमीन आसमान का फर्क होता है। तो आंसर राइटिंग बहुत मैटर करती है यूपीएससी सिविल सर्विस में, जियो केमिस्ट्री उतनी मैटर नहीं करती है, उतनी मैटर नहीं करती है, और नॉलेज बहुत मैटर करती है। नंबर ऑफ क्वेश्चन जो आते हैं उनको आपको सबको आंसर करना होता है, आपका अगर कर आए सॉल्यूशन जैसे भी करके आए, मतलब उसमें कोई बहुत बड़ा ऊपर नीचे नहीं देखेगा आपको, आप सॉल्व करके आए हो करेक्टली आंसर आया ठीक है नंबर मिलेंगे आपको, ये दोनों के बीच का फर्क है। सो अब आप बात करते हैं ट्रेंड एनालिसिस का, किस में कितने कितने सवाल आ रहे हैं, नॉर्मली कितने आ रहे हैं। देखो बायो इनऑर्गेनिक अगर देखें तो नॉर्मली सवाल देखें तो लगातार इसके कंसिस्टेंटली क्वेश्चन टॉपिक तो सारे कवर होते हैं। बायो इनऑर्गेनिक में सवाल काफी ज्यादा है, 3, 2, 3, उसके बाद मेन ग्रुप और सॉल्वेंट में सवाल है 3-3 सवाल, उसके बाद कंडीशन केमिस्ट्री के सवाल है 3-1-2, उस तरह से केमिकल बॉन्डिंग के सवाल है। इट मींस जो कोर इनऑर्गेनिक वाले पोर्शन है, बायो इनऑर्गेनिक हो गया, मेन ग्रुप हो गया, कोऑर्डिनेशन, केमिकल बॉन्डिंग, एफ ब्लॉक, ऑर्गेनोमेटिक, डी ब्लॉक। हाँ डी ब्लॉक ये जरूर है, कभी सवाल आ रहा है ऑर्गेनोमेटिक से भी, कभी पूछता है चाइना नहीं पूछता, ऑर्गेनोमेटिक उतनी डिटेल में है भी नहीं, कार्बन वार्बन इफेक्टिव एटॉमिक नंबर उस पुराने डर्रे की तरह, 18 इलेक्ट्रॉन रूल भी नहीं बोल रहा, ईएन बोल रहा है वो, उतना ज्यादा नहीं है, यानी कि ये जो ऊपर वाले पोर्शन है ये बहुत ज्यादा इनसे सवाल पूछ रहा है वो। इसके बाद बात करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री वाले पोर्शन से, फिजिकल केमिस्ट्री वाले पोर्शन में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बहुत सवाल आ रहे हैं। देखो एवरेज में देखें तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट, हालांकि ये एनालिसिस करने का वैसे कोई ज्यादा लॉजिक नहीं, आपको सब करके जाना चाहिए, बिकॉज यूपीएससी में चॉइस तो कुछ हो ही नहीं सकता। यूपीएससी में आपको मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि आप वैसे अगर जो क्वेश्चन होते हैं उनमें से कुछ अटेम्प्ट करने होते, कुछ नहीं भी कर सकते आप, बट करके तैयार करने आपको जाना होता है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बहुत आ रहा है, थर्मोडायनेमिक्स बहुत आ रहा है, केमिकल काइनेटिक्स बहुत आ रहा है, सॉलिड स्टेट बहुत आ रही है, फेज, लिक्विड, फोटो, सरफेस, और फिर क्वांटम वांटम और गैस स्टेट एटॉमिक तो बहुत ज्यादा नहीं आता, नॉर्मल एक एक दो सवाल आ रहे हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का बहुत सवाल आ रहे हैं, सवाल थर्मो से भी बहुत है, काइनेटिक्स से बहुत है, सॉलिड स्टेट से भी बहुत है, फेज से भी बहुत है, और लिक्विड स्टेट से भी बहुत है, फोटोकेमिस्ट्री से भी। यहां तक सवाल आपके दो या दो से ज्यादा क्वेश्चन है जो नॉर्मल सिंपल टॉपिक, उसके बाद क्वांटम वांटम उतना ज्यादा नहीं है आपका। पेपर थर्ड रिएक्शन मैकेनिज्म भर भर के आता है, भर भर के, क्लेडन ये समझ लो भगवान है इस मामले में, मतलब क्लेडन की रिएक्शन मैकेनिज्म आपने पढ़ी है बहुत नंबर, उसी तरह से लिख के आना, उसी एमओटी अप्रोच से आप एक्सप्लेन करोगे, खूब भर भर के नंबर मिलेंगे। ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी ये भी खूब भर भर के आ रही है। इसके बाद रिएजेंट, मतलब ऑर्गेनिक में तो देखो क्योंकि ऑर्गेनिक का पूरा उन दोनों का तो मिला के पेपर है, ऑर्गेनिक का तो एक ही पेपर होता है, भर भर के सवाल आते हैं, भर भर के, और 4-5 यूनिट से तो लगभग 70-80% पेपर है आपका। रिएक्शन मैकेनिज्म, ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी, रिएजेंट, पेरिसाइक्लिक, इंटरमीडिएट, नेम रिएक्शन, ऑर्गेनिक फोटोकेमिस्ट्री, यहां तक लगभग आपका 85% पोर्शन कवर हो गया इन 5-6 यूनिट्स में आपका। तो ये था यूपीएससी सिविल सर्विसेज मेंस वर्सेस जियो केमिस्ट का कंपैरिजन। अब मैं बहुत काम की बात, ये तो बहुत एनालिसिस वाली बात थी, बहुत काम की बात बता देता हूं आपको। सबसे पहले तो पहला सवाल आपका होता है यूपीएससी में, सर क्या जियो केमिस्ट और मेंस दोनों की तैयारी एक साथ की जा सकती है? मैं सलाह नहीं देता,
मैं कहता हूं कि अगर आपको सिविल सर्विसेज में जाना है, सीएससी में जाना है, जो मेरी सलाह है वो बहुत और बहुत सालों से मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं, उसको सुन लीजिएगा। अगर आपको सिविल सर्विसेज में जाना है और उसका आगे जाके केमिस्ट्री से मेंस लिखना है, वो बाद का विषय है, उन दोनों में कोई संबंध नहीं कि एक साथ तैयारी कर सके। अगर आप इसकी तैयारी पूरी तरह से करोगे तो उसमें भटक जाओगे, बिकॉज सिविल सर्विसेज में केमिस्ट्री एक सब्जेक्ट, उसके अलावा जाने क्या क्या होता है, अथाह दुनिया है भैया। इसलिए प्लीज मैं पहले ही बता दे रहा हूं, अगर आपका इरादा कहीं ये है कि आप सिविल सर्विसेज में जाना चाहते हो केवल इसी में, तो उसकी तैयारी करो। या फिर आपका इरादा है नहीं सर मैं केमिस्ट्री से मेरे फायदा उठाना चाहता हूं जियो केमिस्ट में, तो पहले इसको करो, पास करो, नौकरी पाओ और फिर आप इसकी तैयारी करो। एक साथ नहीं करेंगे, अगर केवल ये कर दिए तब तो इसको जाओ ही मत, कुछ भी है बाद में देखा जाएगा। अगर केवल ये कर दिए इसको जाओ ही मत, अगर ये भी करनी और ये भी करने का, बहुत सारे बच्चों का मन होता है सर पहले नौकरी मिल जाए मेरे को फिर वो तैयार, तो पहले भैया इसकी तैयारी साइमल्टेनियसली करोगे बहुत फंस जाओगे, बहुत फंस जाओगे साइमल्टेनियसली करोगे। इसलिए पहले आप उस नौकरी की तैयारी करो, नौकरी पाओ, बहुत सारे बच्चे ऐसा कर रहे हैं, नौकरी की तैयारी करो, नौकरी पाओ, एक बार नौकरी मिल जाए फिर आप सिविल सर्विसेज मेंस की तैयारी करो, आराम से पानी पी के सिविल सर्विसेज मेंस की तैयारी करो आप, ठीक है। अब कई लोगों ने उसमें जीएस आता, वो एक पेपर होता है यार, 30-35 नंबर लाने होते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है यार, उसका जीएस होता है जीएस, इसका अगर जीएस होता है इसका तो जीएसटीएस होता है, मान ले यार फर्जी टाइप का उसका होता है जीएस, इसलिए उसकी सेपरेट तैयारी। मैं सदा यही कहता हूं इसको अलग ही करो, और कोई सिलेबस में भी मैच नहीं दिखता मेरे को तो बिल्कुल भी, पेपर के पैटर्न में भी मैच नहीं, कुछ सवाल मैच करते हो थोड़ा बहुत, सिलेबस से भी कोई मैच नहीं दिखता बिल्कुल, दोनों का पैटर्न ही डिफरेंट है, वो एनालिटिकल इनऑर्गेनिक फिजिकल बेस्ड पेपर है, ये ऑर्गेनिक बेस्ड मेनली ज्यादा है आपके, एक पेपर तो दोनों मिला के भी है। सो ये बात आप ढंग से समझ लेना, अलग से तैयारी करेंगे सेपरेटली तैयारी करेंगे, अगर आपको दोनों करने हैं तो पहले इसकी तैयारी करो, नौकरी पाओ फिर उसकी तैयारी करो, या फिर पहले वो दे लो, जिंदगी में थक जाओ तो फिर वापस आ जाना, कई लोग थक भी जाते हैं। ये पहला सवाल होता है बच्चों का, दोनों एक साथ तैयारी करें। दूसरा सवाल, सेकेंड क्वेश्चन होता है बच्चों का, सर सीएसआईआर नेट और जियो केमिस्ट के बारे में बताओ, सीएसआईआर नेट और जियो केमिस्ट इनका तो कोई संबंध नहीं है, दूर दूर तक कोई मतलब ही नहीं है भैया। अगर आप पहले नेट नूट करना चाहते हो तो कर लो, फिर आप ये सभी सपने देखो, नेट नूट ही नहीं कर रहे हो और आप कह रहे हो इसके साथ वो कर लो, अरे वो सब्जेक्टिव पेपर ही ऑब्जेक्टिव पेपर, इसका सिलेबस अलग, उसका सिलेबस अलग, उसका पैटर्न अलग, इसका पैटर्न अलग, क्या दोनों में क्या संबंध है, कोई सा ऐसे तो फिर कुछ किसी गधे घोड़े कुत्ते कुछ ही मिला दो दुनिया में, कोई संबंध नहीं भैया, किसी तरह का कोई संबंध नहीं है। सो आप अलग अलग बिल्कुल सेपरेट तैयारी कीजिए, एकदम इनका मामला सेपरेट है, पहले नेट नूट कीजिए भैया अपना, फिर आप इनके सपने देखिएगा जियो केमिस्ट्री, पहले तो नेट क्वालिफाई कर लो भैया, फिर जियो केमिस्ट्री के सपने देखो आप आगे जाके, है ना, पहले नेट कर लो। ये दूसरा सवाल होता है। अब आपके और जो प्रश्न है तो मुझे बच्चों ने पूछे थे, आपके जो भी प्रश्न है मुझसे पूछ सकते हो, मैं वन बाई वन उनके आंसर करूंगा, जो भी प्रश्न पूछना चाहते हो, जो भी प्रश्न, दोनों के कोर्सेज केम अकेडमी पे अवेलेबल है, आप चाहो तो कोर्सेज आराम से ज्वाइन कर सकते हो, दोनों में बढ़िया पढ़ा रहे हैं सारा सिलेबस, और अब तो कंप्लीट स्टडी मटेरियल सब्जेक्टिव रेडी है अलग से, इसका एकदम जियो केमिस्ट का ही रेडी हो चुका है अलग से सब्जेक्टिव स्टडी मटेरियल, पहले तो धीरे धीरे था, अब हम पूरा बनाया एकदम पूरा रेडी हो चुका है। जो भी सवाल पूछना चाहो, लेट्स स्टार्ट। हाँ बाबू, ये करेक्ट रास्ता है बिल्कुल, पहले नेट फिर यूपीएससी, बिल्कुल सही जाते हो। मयंक टिफर के टाइम आएगा, अभी कहाँ टिफर आ गया यार। राठौर नितिन, ऑनलाइन है जियो केमिस्ट के बैच, अभी ऑनलाइन और एक मेरा केमिस्ट्री का ऑफलाइन बैच भी आएगा थोड़े दिनों में, इंतजार कीजिए फाउंडेशन डे की कंप्लीट। नहीं, 300 का अलग आता है मंकू रॉक्स और 100 नंबर का अलग आता है, 300 का अलग है, 100 नंबर का अलग है।
करिश्मा नेक्स्ट मंथ से स्टार्ट हो जाएगा, वो आपको डेट्स मिल जाएंगे ना, जून से स्टार्ट होगा करिश्मा। हाँ चांदनी, उसका मटेरियल बन चुका है, जियो केमिस्ट का मटेरियल अभी कल ही उसका कंप्लीट हुआ था, प्रिंटिंग के लिए गया है, उसमें समय लगा, थोड़ा सब्जेक्टिव होता है ना तो थोड़ा टाइम लगता है उसके अंदर। इसको करने से नौकरी मिलती है अंजना, हारमोनियम कैसी बात कर रहे हो, नौकरी मिलती है। अरे नेट का सेशन तो भी लिया था मैंने 4 दिन पहले यार, मामूल हक 4 दिन पहले नेट का सेशन लिया है, देख ले भैया, अभी 4 दिन पहले लिया है। हाँ बाबू 6 से 10 तक तो बहुत है, एनसीईआरटी बहुत ज्यादा होती तो जरूरत भी नहीं है। यस ताजीरो कमांडो ऑप्शनल का भी बन गया है, दोनों यूपीएससी का बन गया। अरे पोस्टिंग बहुत बाद की बात है सौमित्र घोष, तेरे को अभी पोस्टिंग कहाँ चाहिए यार, तैयारी कर ले पहले, पोस्टिंग कहाँ होगी क्या, तुम भी तैयारी तो कर ले पहले। सन्नी पहले नेट उसके बाद जियो केमिस्ट, पहले नेट उसके बाद कुछ भी। हाँ लाइव वालों के लिए सोनी फ्री होगा, नेट का जो प्रैक्टिस कोर्स आ रहा है लाइव वालों के लिए फ्री होगा। चांदनी ऑफिस फोन करके, ऑफिस फोन करके वो एक ही साथ मिलेगा स्टडी मटेरियल। मयंक शर्मा और जीएस उतनी बहुत ज्यादा पड़ेगा तो जर वेस्ट ही होगा, उससे बढ़िया तो केमिस्ट्री पढ़ ले, वही 40-50 नंबर लिया बहुत है मयंक शर्मा। अरे यार ताजीरो कमांडो दो अलग अलग चीजें है, नेट अलग है, जियो केमिस्ट नौकरी है, नेट क्वालिफाई, नेट से नौकरी थोड़ी मिलेगी, नेट का फिर एग्जाम देना पड़ेगा। नेट का तो फिर एग्जाम देना पड़ेगा, वो YouTube पे लिखा हुआ है, चांदनी ऊपर नंबर लिखा हुआ है YouTube पे, कॉल कर लेना, चांदनी YouTube पे लिखा हुआ है। हाँ सौमित्र सब्जेक्टिव आंसर राइटिंग है उसके अंदर, उसके अंदर सब्जेक्टिव ही है सवाल, मटेरियल के अंदर सब्जेक्टिव ही सवाल है, प्रीवियस ईयर सब्जेक्टिव सवाल है, प्रीवियस ईयर और सब्जेक्टिव ही क्वेश्चन है उसके अंदर, प्रीवियस ईयर और सब्जेक्टिव ही क्वेश्चन है उसके अंदर। प्रीवियस ईयर सब्जेक्टिव ही क्वेश्चन है उसके अंदर। लॉन्च हो चुका है यार, तो जडेजा लॉन्च हो चुका है, प्रदीप सर कर दिए थे लॉन्च, उसकी डेट शीट कल मिल जाएगी यूट्यूब पे, मिल जाएगी कल डेट शीट। अरे मयंक सब भर ले, ऐसे तो भरने में क्या है। हाँ प्रीलिम्स ऑब्जेक्टिव होगा पवन मिश्रा, बिल्कुल प्रीलिम्स ऑब्जेक्टिव होगा, एकदम ऑब्जेक्टिव। हेलो अनु श्रीवास्तव, प्रीलिम्स ऑब्जेक्टिव होगा। और बाकी जानकारी के लिए आपको चाहिए तो आप 99829 मुझे ना व्हाट्सअप कर सकते हैं, 15431 जियो केमिस्ट और यूपीएससी से रिलेटेड। बैचेज स्टार्ट हो रहे हैं जून से, कंटेंट बैचेज मटेरियल सब रेडी है, और एक बैच में तो सिलेबस भी चल रहा है हमारा, एनालिटिकल खत्म भी होने वाली है, हो गई है शायद। बहुत बहुत धन्यवाद, गुड नाइट, ऑल द वेरी बेस्ट, मिलेंगे कल फिर से नए सेशन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।